हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ प्रमुख योजना या अभियान या फिर जो भी आपके संस्थाएं हैं, ऐप हैं, उन सभी के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एक से दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ ही जो है आपके प्रमुख ऐप और कंपनियों के सीईओ के बारे में पूछा जाता है कि किस कंपनी के कौन से ईओ है, किस ऐप के कौन से ईओ है, तो उसके लिए हमने आपके लिए अलग वीडियो बना के रखा है। तो आप हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर एंड सीईओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। तो स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आप सभी को पता होगा, अमिताभ बच्चन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो आपका स्वच्छ आंध्र मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्वच्छ आंध्र मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्वच्छ भारत मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद है। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बोलना क्या हमें आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए, आपको ब्रांड एम्बेसडर के जो भी यहाँ पे छूटे हुए हैं, अगर आप हमें कमेंट करके बता दोगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करोगे, तो मैं आगे के भी आपको 25 क्वेश्चन जल्द ही आपके पास लेकर आऊँगी। तो अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के, तो वो हैं अक्षय कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो अक्षय कुमार हैं वो सड़क सुरक्षा अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी सड़क सुरक्षा अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे अक्षय कुमार। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान। तो कौशल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दो लोग हैं, वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा, यानी ए एवं सी दोनों ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तो अतुल्य भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दरवाजा बंद अभियान। तो दरवाजा बंद अभियान के भी दो लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक तो आपके अमिताभ बच्चन हैं, दूसरे अनुष्का शर्मा, यानी ए एवं सी दोनों। ऊपर हमने देखा कौशल भारत अभियान के वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा, बट दरवाजा बंद अभियान के अमिताभ बच्चन एंड अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, बट अगर आपको सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे तब आप माधुरी दीक्षित लगाओगे। अगर आपसे वहाँ पे स्पेशियली देखते कि आप हरियाणा सरकार के द्वारा बताओ तो हरियाणा सरकार के द्वारा है साक्षी मलिक, और अगर आपसे बोले तेलंगाना सरकार के द्वारा तो तेलंगाना सरकार के द्वारा है आपके रकुल प्रीत सिंह। तो ये सारे चीज़ आपको जो कन्फ्यूजन्स है वो यहाँ पर आपको क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तो माँ अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है हमारे माधुरी दीक्षित ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका फिर से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। तो डिजिटल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आपके अंकित फाड़िया, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो तीन तरह के हैं, एक डिजिटल इंडिया, एक मेक इन इंडिया, एक फिट इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के हैं अंकित फाड़िया, अगर हम बात करें मेक इन इंडिया के तो मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीरूस खम्बत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जैसे ही हमसे बात करें फिट इंडिया के, तो फिट इंडिया के हैं सोनू सूद। तो इन तीनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं करने, डिजिटल इंडिया अंकित फाड़िया, मेक इन इंडिया फिरूस खम्बत्ता एंड फिट इंडिया सोनू सूद। नेक्स्ट है सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर। तो सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं ए आर रहमान, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अगर तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछे, तो तेलंगाना के दो लोग हैं सानिया मिर्जा एंड महेश बाबू, यानी ए एवं बी दोनों। तो हमने देखा सिक्किम ए आर रहमान, तेलंगाना सानिया मिर्जा एंड महेश बाबू। अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट अगर हमसे यहाँ पे पूछे मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं गोविंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका एडुकेट गर्ल्स के ब्रांड एम्बेसडर, तो एडुकेट गर्ल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अमिताभ बच्चन के बारे में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा। फिर अगर आपसे पूछे मुथूट ग्रुप, तो मुथूट ग्रुप के भी हैं अमिताभ बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर से अगेन पल्स पोलियो के भी हैं आपके अमिताभ बच्चन ही, यानी फिर से। फिर अगर आपसे पूछे वर्लपुल, वर्लपुल के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं दो लोग हैं, कृति सेनन एंड सुशांत सिंह राजपूत, यानी AMB दोनों। नेक्स्ट है हमारा PNB के ब्रांड एम्बेसडर, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हमसे पूछे फ्लिपकार्ट के बारे में, तो फ्लिपकार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आपके दो लोग, रणवीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर, यानी बी एवं सी दोनों। फिर अगर आपको इसी तरीके से यहाँ पे पूछे मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर, तो मेक माई ट्रिप के भी दो लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट, यानी बी एवं सी दोनों। फिर अगर हम बात करते हैं BSNL के ब्रांड एम्बेसडर, तो BSNL के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो आपके कौन है, तो ये है मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आज का आखिरी है जो नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो बना दो, तो हमने इसलिए आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो लाई थी। तो कैसा लगा ये वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।